गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चरक संहिता, चिकित्सा स्थान, प्रथम स्थान, क्या नाम है उसका, रसायन अध्याय, प्रथम पाद, प्रथम पाद का क्या नाम है, अर्थार्थों, अभ्य आमल की, रसायन पाद, व्याख्या श्यामल। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आ जाता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या है चिकित्सा स्थान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि चरक संहिता में टोटल कितने चैप्टर बताए गए हैं चिकित्सा के, तो 30 बताए हुए हैं। और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या जाता है, रसायन अध्यायनम। ठीक है, शिशु चिकित्सा में कितने चैप्टर बताए गए हैं, तो उसमें आते हैं 40। और प्रथम चैप्टर का नाम क्या जाता है, द्विवर्णीय चिकित्सा अध्यायनम। बट चरक ने क्या है, चरक ने 25th चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, द्विवर्णीय चिकित्सा अध्यायम। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह ने क्या बताया है, अष्टांग संग्रह ने 24 चैप्टर बताए गए हैं। और अष्टांग हरिद्र ने कितने बताए हैं, 22 बताए हैं। और दोनों में जो चिकित्सा का जो है वो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या आ जाता है, उसका नाम आ जाता है ज्वर चिकित्सा। क्या आ जाता है, ज्वर चिकित्सा अध्याय आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है जो चरक चिकित्सा है, इनका जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर है। अब क्या है, रसायन और वाजीकरण कहाँ कहाँ वर्णन है उसके बारे में बात की गई है। जो चरक चिकित्सा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो रसायन और वाजीकरण के नाम से है। शुश्रुत में क्या है, 27-30 चैप्टर जो है वो रसायन का है, और चैप्टर नंबर 26 जो है वो वाजीकरण के लिए है। ठीक, और अष्टांग संग्रह का क्या है, अष्टांग संग्रह ने बताया गया है कि उत्तर तंत्र 49 रसायन चैप्टर है, और उत्तर तंत्र 50 क्या है, वाजीकरण के नाम से बताया गया है। अष्टांग हृदय ने क्या किया हुआ है, उनका उत्तर तंत्र 39, देखो उधर 49 था, इधर 39 है, रसायन है, और उत्तर तंत्र उधर था 50 और इधर क्या आ जाएगा, 40, वाजीकरण के लिए है। ठीक है, और इन्होंने क्या है, साथ में अष्टांग आयुर्वेद में भी जो क्या है, जब हम पढ़ते हैं कि अष्टांग आयुर्वेद में काय बाल ग्रह ऐसे करके, या फिर शल्य शलाके, मतलब अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, यहाँ पर मोस्टली लिया गया है बृहत्त्रय। बृहत्त्रय मीन्स किया जाता है चरक, शुश्रुत और वाग्भट। इन्होंने जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है अष्टांग आयुर्वेद में, वो रसायन और वाजीकरण के नाम से लिखा हुआ है, मतलब रसायन वाजीकरण का नाम अष्टांग आयुर्वेद में भी क्या है, दिया हुआ है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर में हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में जो चिकित्सा स्थान है उसमें कितने योग टोटल बताए गए हैं, उसमें बताए गए हैं फर्स्ट चैप्टर। ठीक है ना, फर्स्ट टोटल फर्स्ट चैप्टर में ये है प्रथम पाद। ठीक है ना, वैसे कितने बताए गए हैं, तो कितने बताए गए हैं, 63 योग बताए गए हैं। ठीक है, अब उसको अगर आपको याद करना है, फर्स्ट चैप्टर है उसमें टोटल चार पाद है, तो चार पाद के यहाँ पर साइड में नाम लिखे हुए हैं। इसको याद करने के लिए आप वर्ड याद रखो, आपका, APKA आपका, तो अ से आता है अभ्यामल की, आमल की। ठीक है ना, अभ्या आमल की ये रसायन। ठीक है, दूसरा आ जाता है पादकर्मीय, तीसरा आता है कर प्रतीच्य, और चौथा कौन सा आ जाता है, आयुर्वेद समुत्थानीय। ठीक है ना, तो फर्स्ट चैप्टर में कितने योग है, 6 हैं, दूसरे में 37 है, तीसरे में 16 है, और लास्ट जो है उसमें कितने आयते हैं, टोटल 4 बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जो चिकित्सा स्थान है उसको किस किस नाम से बताया गया है, तो चिकित्सा स्थान को औषध नाम से, योग नाम से, और उत्तम रसायन रहस्य के नाम से बताया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लेते हैं कि उत्तम रहस्य जो है उसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कितने चैप्टर्स हैं, 30। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है जो चरक सूत्र 30 है। ठीक है ना, कौन सा सूत्र 30 है, वहाँ पर क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। ठीक है ना, आयुर्वेद का प्रयोजन का है चैप्टर 30, लेकिन शिशु सूत्र अध्याय 1 में क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है। ठीक है ना, पूछ लेते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन कहाँ कहाँ बताया गया है। चरक ने चरक सूत्र 30 में, और शुश्रुत ने क्या है, शिशु सूत्र 1 में बताया गया है। क्या बताया गया है, व्याध्य। ठीक है ना, व्याध्य उपसृष्टम, व्याध्य उपसृष्टा नाम, व्याधि परिमोक्ष, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। वहाँ क्या था, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रश्नम च। ठीक है ना, तो वहाँ यहाँ पहले व्याधि की बात की गई है, फिर स्वास्थ्य की बात है, लेकिन वहाँ पहले स्वास्थ्य की बात की गई है, फिर व्याधि की बात कही गई है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है चिकित्सा की डेफिनेशन, यहाँ देखो विमर्श में दी गई है। ठीक है ना, लिखा ना चतुराना, भिशिंगा आदि नाम, शस्ता नाम, धातु वैकृत्य, प्रवृत्य, धातु समर्थ्य, चिकित्सा अभी दिए थे,
तो ये क्या है, चिकित्सा की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है ना। तो ये कौन सी चिकित्सा के बारे में बताया गया है, तो चरक सूत्र 9 में चिकित्सा की डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है ना, चरक सूत्र 9 में, ठीक है ना, चिकित्सा के। लेकिन एक आ जाता है चरक सूत्र 16, उसमें भी चिकित्सा की डेफिनेशन बोली गई है, क्या बोलते हैं उसमें, या अभिक्रियते जनयते शरीर धातव सम, ठीक है ना, वो क्रिया करो जिसे क्या है, जो धातुएं हैं शरीर की वो क्या हो जाए, सम हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, भेषज प्रकरण बताया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, भेषज के पर्याय हैं, तो पर्याय कौन कौन से आते हैं, चिकित्सतम, व्याधिहरम, पथ्यम, साध्यम, साध्यम औषधम, प्रतिष्य, ठीक है ना, प्रतिष्ठित, प्रशमनम, प्राकृति स्थापनम, हितम, ठीक है ना, ये सब क्या है उसके पर्याय बताएंगे। टोटल कितने पर्याय हैं, 9 पर्याय हैं, ये आपको सब याद करने, उसको चिकित्सक, व्याधिहर, पथ्य, साध्य, औषध, प्रायश्चित, ठीक, प्रशमनम, प्राकृति स्थापन और हित, ये क्या है, 9 जो है वो क्या है, भेषज के पर्याय बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि जो शुषु सूत्र है, ठीक है ना, शुषु सूत्र 3 है, उन्होंने चिकित्सा के क्या है, 4 पर्याय और भी बताए गए हैं, वो कौन कौन से बताए हैं, तो उन्होंने बोला गया है प्रायश्चितम, प्रशमनम, चिकित्सा शांतिकरम, ठीक है, ये क्या है, उन्होंने अलग से 4 और बताए गए हैं। और इसमें उसके बाद नेक्स्ट अगला क्या आता है, अष्टांग हृदय 22 जो चैप्टर है उसमें क्या है, उसमें बताया गया है चिकित्सकम, हितम, ठीक है ना, पथ्यम, प्रायश्चितम, इसमें लिखा हुआ है भीषक जित्तम, ठीक है ना, एक अलग से क्या आ जाता है, भीषम जित्तम, भेषजम, शमनम, इसमें आया था शस्तम, ठीक है ना, वर्ड क्या है, शस्तम, अलग अलग वर्ड है ना, तो उसको याद, जैसे यहाँ पर शांतिकरम एक अलग से वर्ड था, तो यहाँ पर क्या है, शस्तम, भेषजितम, ठीक है ना, पर्याय समृतम, औषधम, ठीक है ना, तो औषध की क्या है, ये पर्याय अलग अलग बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है भेषज के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, भेषजम, द्विविधम, चततम, ठीक है, स्वास्थ्य औजस्करम, किंचित किंचित तदस्ते रोगनुत, तो उन्होंने बोल दिया भेषज के 2 प्रकार बताए गए हैं, स्वास्थ्य पुरुषों के लिए उत्तम भाव को बढ़ाने के लिए, और दूसरा कहता है रोग क्रांत व्यक्तियों की रोगों की रोग को दूर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है अभेषज, अभेषज कितने होते हैं, 2 होते हैं, बांध और सानुबांध, ठीक है ना, तो बांधन कौन से होते हैं, बांधन में बोला गया जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे अर्थात अल्प उपद्रव्य पैदा करे उसको क्या बोल देते हैं, बांधन कहते हैं, और अविज्ञात औषधि विष अग्नि ब्रज शस्त्र के समान मानी गई हो, ठीक है ना, और उसे तत्काल क्या है, उपद्रव का उदाहरण देना, जो क्या है कष्ट उत्पन्न करे और तत्काल ही अपने सारे लक्षण दिखाता है और होता भी क्या है, अल्प होता है, ठीक है। अब सानुबंध में क्या होता है, जो कलांतर में उत्पन्न होता है, मतलब थोड़ा टाइम लेके उत्पन्न होता है, उसको सानुबंधन बोलते हैं, जैसे कि दूषी विष सेवन करने से, ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद इन्होंने बोला गया है कि बंधन और सानुबंधन जो है उनके उपयुक्त जो उदाहरण है वो कहाँ है, गंगाधर ने बताए गए हैं। चक्रपाणी जो है उन्होंने सानुबंध के उदाहरण में दीर्घकालीन स्थायी कुष्ठ रोग का उदाहरण दिया, ठीक है ना, चक्रपाणी ने सानुबंध में कुष्ठ रोग का दिया गया है। और अगर आधुनिक में बात करते हैं तो बंधन जो होता है वो अक्यूट डिजीज और जो सानुबंध है वो क्रॉनिक डिजीज का संकेत करता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला जाता है हमारे पास रसायन और वाजीकरण, ठीक है, रसायन और वाजीकरण के बारे में क्या बताया, तो उन्होंने बोला गया है स्वास्थ्य औजस्करम यतु तद वृष्यम तद रसायनम, ठीक है, जो औषधि स्वस्थ व्यक्तियों में उजस्कर हो, ठीक है ना, जो औषधि क्या है स्वस्थ व्यक्तियों में उजस्कर हो वही प्राय वृष्य और रसायन होती है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, प्राय प्रायेण रोगा नाम द्वितीयम प्रशस्ते प्रशमे मतम, तो उन्होंने बोल दिया गया है प्राय रोगों को शांत करने वाली ये मानी गई हैं, प्राय शब्द से बहुल्य अर्थ लेना चाहिए क्योंकि दोनों प्रकार की औषधियाँ जो होती हैं दोनों प्रकार के कार्य करने में समर्थ होती हैं, ठीक है ना, ये आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला गया है कि जो चक्रपाणी है, ठीक है ना, क्या कहते हैं जो चक्रपाणी है उन्होंने क्या बोला है, शतकशीन में प्रयुक्त होने वाली, ठीक है ना, तो जो चक्रपाणी ने एक एग्जांपल दिया गया है कि जो शतशीत में प्रयोग होता है वो क्या कहता है, सर्पी गुड़, ठीक है ना, उसको भी क्या है रसायन और वाजीकरण बताया गया है। पांडु रोग, पांडु में क्या है योगराज और कास में क्या है अगस्त्य हरितकी का प्रयोग रसायन के तरह ही भी प्रयोग
किए जाते हैं, मतलब कि रसायन को एज अ चिकित्सा के तौर पे भी क्या है प्रयोग करते हैं। रसायन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हाँ भाई कि वो सिर्फ बल्ले को बढ़ाते हैं, कि वो एज अ ट्रीटमेंट में भी है। जैसे कास में अगस्त्य हरित की बोला गया है, ठीक है ना, शतशीन में सर्पी गुड़ है, ठीक है, एज अ ट्रीटमेंट वाइज भी बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला गया है आमल की हरित की बलातक चव्यन प्राश जैसे रसायन द्रव्य रोगों को दूर करने के लिए भी नित्य प्रयोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला रहता है रसायन के गुण। अब रसायन के जो गुण बताए गए हैं वो देख लो। तो इसमें बोला गया है दीर्घम आयु समृद्धि मेधा आरोग्यम तरुण वय, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि जो क्या है आयु को क्या है ज़्यादा रखता है, मतलब दीर्घ लंबी रखता है, समृद्धि स्मरण शक्ति को, मेधा आरोग्यम धारण शक्ति को, आरोग्यम तरुण वय तरुण अवस्था, ठीक है ना, प्रभा वर्ण स्वर और धैर्य। तो प्रभा मतलब शरीर की कांति को, वर्ण स्किन के कलर को, गौण कृष्ण, ठीक, उसके बाद स्वर को, इन सबको क्या है और इंद्रियों को वाक सिद्ध प्रणति क्रांति लाभ्यता व रसायनम। तो जो ये सभी चीज़ें हैं मतलब कि स्वर को अच्छा रखता है, वाक को अच्छा रखता है, देह इंद्रियों को उत्तम बल की प्राप्ति देता है, ठीक, और जो हम बोल रहे हैं वो क्या है अच्छे से उसको बोल पा रहे हैं, ठीक है, नम्रता का करता है। तो ये जो सारे गुण हैं ये किसकी वजह से है, रसायन के ही गुण बताए गए हैं। जो लास्ट में जो डेफिनेशन दी गई है क्या दिया है, लाभ उपायो ही शस्तानाम रसायदी नाम रसायनम। तो उन्होंने बोला है उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे रसायन बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है षाडंगधर ने रसायन की परिभाषा के क्या बताया गया है। तो षाडंगधर ने बताया हुआ है रसायनम ज तजगेयम तज व्याधि नाशनम, ठीक है, जो क्या है जरा और व्याधि को दूर करने के लिए जो भेषज होता है उसे रसायन कहा गया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला रहता है वाजीकरण। तो वाजीकरण की परिभाषा में क्या बोला गया है, उन्होंने बोला गया है अपत्य संतानकरम, ठीक है ना, क्या जाता है अपत्य संतानकरम यत सद स प्राण हर्षम। तो उन्होंने बोल दिया जो भेषज अपत्य, अपत्य का मतलब संतान, ठीक है ना, जो भेषज संतान अर्थात पुत्र पौत्र आदि को विस्तृत करने वाला होता है, ठीक है ना, और वाजी वात बलि येन यते प्रतिहते स्त्रिय, जो शीघ्र ही मैथुन विष हर हर्ष को उत्पन्न करने वाला होता है, जो भेषज के सेवन करने से अप्रतिघात वेग में अत्यंत बलवान घोड़े के समान मैथुन करने में समर्थ हो जाता है, ठीक है ना। उन्होंने बोला ना भवते प्रिय स्त्री नाम येन येन उपच येन उपचियते, ठीक है ना, तो ये जो बलवान घोड़े के समान मैथुन करने में समर्थ हो जाता है जिनके प्रयोग से स्त्रियां भी अत्यंत क्या हो जाती हैं प्रिय, अत्यंत प्रिय हो जाता है, शरीर में रक्त आदि जो धातुएं हैं हमारी वो भी अच्छे से बढ़नी शुरू हो जाती हैं। एक इन्होंने वर्ड दिया गया है सुबहु प्रजा, ठीक है, एक यहाँ पर एक आया हुआ है ना, क्या बोला गया है भवते चेओ बहुमता प्रजा नाम सुबहु प्रजा। तो उन्होंने बोला जिस मनुष्य की अनेक शाखाओं के वृक्ष होने के तरह होता है, जिस प्रकार चैत्य, ठीक है ना, मतलब गांव का एक बड़ा वृक्ष जिस प्रकार देवता आदि का निवास करता है और सामान्यतः ग्रामीण जनता उस वृक्ष की पूजा करती है, ठीक है, उसी प्रकार से क्या है वाजीकरण भेषज का सेवन करना भी क्या है व्यक्ति के लिए पूजनीय है। वह अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में श्रेष्ठ होता है, जो क्या है अनेक प्रजाओं में से क्या है बहु प्रजा अर्थात बहुत संतान वाला होता है। यहाँ पर इन्होंने ये बोला हुआ है कि जिसकी अनेक संतान होगी वो क्या है वो पूजनीय टाइप का रहता है, ठीक है ना, संतान मूलम येन परेत्य च अनंत्यम श्रुते। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि वह वाजीकरण का प्रयोग संतान उत्पत्ति का एक क्या है मूल बताया गया है, मृत्यु के पश्चात भी वह व्यक्ति संतान मूलक और अनंत सुख को प्राप्त करता है और जिन औषधियों के सेवन करने से यज्ञ, ठीक है ना, जिन औषधियों के सेवन करने से क्या क्या होता है यश श्रीयम बल पुष्टि वाजीकरण मेव तथा। तो जिनके सेवन करने से क्या होता है मनुष्य में यश शोभा मतलब श्री बल और पुष्टि की वृद्धि होती है उसको क्या है वाजीकरण बताया गया है। एक आपको वर्ड याद रखना अपत्य किसके लिए बोला गया है, तो वो यहाँ पर संतान के लिए बोला गया है। एक वर्ड आ जाता है अपत्य नाम मूलम, तो मूलम अगर वर्ड है तो वो किसके लिए स्त्री मतलब नारी के लिए बोला गया है। एक वर्ड आ जाता है पुत्र कस्य आयत
आयतना नाम, ठीक है। तो ये किसके लिए है, तो ये वाचीकरण वर्ड के लिए यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है रसायन वाचीकरण का वर्णन प्रारंभ। तो उन्होंने बोला कि रसायन और वाचीकरण में कौन कौन से वर्णन किए जाते हैं, तो क्या बोला गया है, तव्यस्थ, तव्यस्थ ओजस करम, तव्यत, तव्यतद, द्विगुणम, प्रयुक्त औषधम। तो उन्होंने बोला रसायन और वाचीकरण के लिए क्या है, सबसे पहले आता है कि स्वस्थ पुरुषों के लिए प्रशस्त भाव को बढ़ाने के लिए दो प्रकार की औषधियों का वर्णन किया गया है। कौन सी, मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या है, दो प्रकार की औषधियाँ, कौन कौन सी दो प्रकार की आ जाती हैं, तो रसायन और वाचीकरण, ठीक है। दो प्रकार की औषधियों का वर्णन किया गया है। अब दो प्रकार के जो रसायन हैं, ठीक है ना, रसायन और वाचीकरण, सबसे पहले आया था कि औषधि कितने प्रकार की, तो दो प्रकार की इन्होंने बता दी है, ठीक है। तो कौन सी आई थी, ये रसायन और वाचीकरण। अब रसायन में भी अगर फर्दर डिवीजन बताई गई है, रसायन नाम द्विविधम प्रयोग, ठीक है ना, तो रसायन को हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। पहला आ जाता है कुटी प्रवेशिकम च एव वात तापिकम एव च। तो इन्होंने बोला फर्स्ट आयता है कुटी प्रवेशिक, दूसरा आयता है वात तापिक, ठीक है। तो सबसे पहले आयता है कि कुटी प्रवेशिक का मतलब क्या आ जाता है, कि जिसमें इंडोर मैनेजमेंट होता है, और वात तापिक में जिसमें क्या है, आउटडोर मैनेजमेंट होता है। जो आचार्य सुश्रुत ने यह स्पष्ट किया है कि अथ सप्त पुरुषा रसायन न उपयुजीरान तद यथा अनात्मवाद अल्सो हरिद्र प्रमादी व्यसी पापकृत बेशय जाप म अनि इति, ठीक है ना। तो ये सात प्रकार के लोग हैं, ठीक है ना, ये सात प्रकार के पुरुषों को बोला गया है। कौन कौन से हैं, एक तो अनात्मावान, ठीक है ना, आलसी, दरिद्र वाले, ठीक है, प्रमादी, व्यवसी, पापकृत, बेजाम, ये सब कौन से होते हैं, जिनको क्या है, ये करवाना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताई गई है, और इसमें कुछ इतना नहीं है। देखो अब नेक्स्ट जो है, इसमें देखो जो बताए गए हैं भेषज और अभेषज, ठीक है। तो जो भेषज है उसको प्राकृत और हित, ठीक है ना, और उसको क्या है, रसायन एज अ स्वास्थ्य के लिए, देखो स्वास्थ्य के लिए है या फिर आतुर के लिए है। अगर स्वास्थ्य के लिए है तो रसायन और वाचीकरण बताया गया है, ठीक है ना। रसायन और वाचीकरण में क्या है, रसायन को भी आगे फर्दर डिवीजन है, कुटी प्रवेशिक है और वात तापिक है। जो कुटी प्रवेशिक है उसको क्या है, श्रेष्ठ माना गया, किसने, आचार्य चरक और वाग्भट्ट ने, ठीक है ना। उसके बाद जो अभेषज है, अभेषज में कौन कौन से आते, एक एक्यूट वाला आ जाता है, एक क्रॉनिक आ जाता है, ठीक है ना, इमीडिएट जो इफेक्ट होता है, और एक कौन सा होता है कि थोड़ा लेट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, कालांतर समय में ये सब आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि कुटी जो हमने कुटी प्रवेशिक जो श्रेष्ठ माना है, उसकी कैसे निर्माण किया जाता है या कहाँ पर उसका स्थान होना चाहिए। तो आपको मेन पॉइंट ही याद रखने हैं कि वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, त्रिगर्भा, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, वो एक तो त्रिगर्भा होनी चाहिए, मतलब एक ग्रह के अंदर दूसरा, दूसरे ग्रह के अंदर तीसरा, ठीक है, एक तो त्रिगर्भा होना चाहिए। और उसका जो मेन जो जगह है, डायरेक्शन है, वो किधर होना चाहिए, पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ही कुटी का निर्माण करावे, ठीक है ना। एक त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचनाम, ठीक है ना, एक तो त्रिगर्भा और सूक्ष्म लोचनाम, इसका मतलब क्या आ जाता है कि छोटे छोटे वहाँ पर क्या हों, जरोखे हों, ठीक है ना, जरोखे होने चाहिए। उसके बाद घन भी मृत सूखा नाम सुस्पष्टा। तो उन्होंने बोला जो दीवार है वो कैसी होनी चाहिए, कुटी की दीवार मोटी हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या है, कोई भी ऋतु हो तो उसके लिए क्या है वो मतलब सही हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो वाग्भट है, वाग्भट ने क्या बोला गया है, नी वाते, मतलब जहाँ पर वात जो है वो सीधी ना आती हो, नी वाते। और उन्होंने भी क्या है, त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचा नाम, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि त्रिगर्भा होना चाहिए और ऐसे। और उन्होंने ये भी बोला कि कुटी प्रवेश में किस प्रकार की विधि, मतलब कब बनवाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सूर्य उत्तरायण हो और शुक्ल पक्ष हो, ठीक है ना, उसमें इन्होंने बताया गया है। और उसके पहले इन्होंने क्या लिखा हो, मतलब बाद में क्या लिखा है कि रसायन प्रयोग से पहले शोधन। तो ये भी एक पॉइंट आता है कि रसायन प्रयोग जब भी करवाना हो तो सबसे पहले शोधन करवा लेना चाहिए, मतलब बॉडी को अगर प्यूरीफाई अच्छे से कर लेंगे तो जो औषधि है वो अच्छे से और रिजल्ट अच्छे से दे सके, ठीक। अब आता है कि जो हम बोल रहे हैं कि शोधन, मतलब संशोधन औषध कौन कौन सी है। तो पहली जो आ जाती है वो आ जाती है हरितके आदि चूर्ण। यहाँ पर हरितके आदि चूर्ण क्यों लिखा हुआ है हमने, क्योंकि जो ये पहले जो ये स्टार्ट हो रहा है तो ये हरितकी से स्टार्ट हो रहा है। तो हरितकी चूर्ण आदि सैंदव, ठीक है ना, इसमें और भी चीज़ें हैं, गुड़, वचा, विडंग, रजनी, पिपली,
विश्व भेजा मतलब शुंठी, ये सब चीज़ें डली हुई हैं, इसलिए इसका नाम क्या लिख दिया, हरित के आदि चूरण लिख दिया, ठीक है ना, हरित के आदि चूरण। इसमें हरड़ का चूरण, सैंधव, आंवला, गुड़, मीठा वचा, वायुविडंग, हरिद्रा, पीपल, सौंठ, इन सबको लिया गया है सम मात्रा में, इसका चूरण बनाकर स्नेहन स्वेदन करवा के गर्म जल से इसको पीने को बताया गया है, ठीक है ना। और इससे क्या है, शरीर शुद्ध हो जाता है और वह पेया विलेपी आदि संसर्जक कर्म करने के लिए भी सही माना गया है। और इसमें जो संसर्जक कर्म होता है, इसमें क्या होता है, अगर हीन शुद्धि होती है तो 3 दिन तक, मध्यम शुद्धि है तो 5 दिन तक, और उत्तम शुद्धि है तो 7 दिन तक घृत संस्कारित जो से जवाबू देना चाहिए। जब तक पुराने मल की शुद्धि ना हो जाए तब तक उसको क्या है, यवागू का सेवन करवाना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। जो संसर्जक कर्म है उसमें क्या है, पुराण यवक को भी घृत में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, पुराण यवक, ठीक है, घृत के साथ प्रयोग करने को बताया गया है। और वाग्भट में भी क्या है, हरित के आदि यही वाले चूर्ण का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है, ये होगी शुद्धि की बात। अब नेक्स्ट अगला आता है कि हम हरित के आदि, तो हरित की में कौन से ऐसे गुण हैं जो शोधन या फिर काम करता है, तो उन्होंने बोला कि हरित के हम पंच रसम, तो इसमें कौन से होते हैं, 5 रस होते हैं, मतलब लवण रस को छोड़कर बाकी सब रस उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, ये सब रस उसमें लिखे ना, लवण रहित पंच रस, ठीक, और कषाय इसमें क्या है, हरित की में सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि उष्णान, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा रहता है, ये उष्ण टाइप का रहता है, ठीक है ना, कल्याणप्रद होता है, दोष अनुलोमिनी, तो दोषों का क्या करता है, अनुलोमन करने के लिए भी अच्छा है, लाघवी मतलब लघु होता है, विद्या दीपन पाचनियम, तो ये दीपन और पाचन करने वाला भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद आयुषा नाम पोष्ट की धन्य वयस स्थापनी परम, तो उन्होंने बोला कि ये निरंतर सेवन करने से क्या है, इसमें पुष्टिकर भी होता है, ठीक है, धन्य भी होता है, अर्थात हरित की सेवन जो पुरुष होते हैं वो रोग भय से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने लास्ट में यहाँ पर क्या है, एक आपको वर्ड कौन से याद करने, एक तो सर्व रोग प्रशमनी, ठीक है ना, एक तो सर्व रोग प्रशमनी और बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, ठीक है ना, एक तो बुद्धि इंद्रिय और बल को प्रदान करने वाला होता है, सर्व रोगों को शमन करने वाला होता है, स्मृति बुद्धि प्रमोह च जय शीघ्रम हरित की, ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है, हरित की सेवन के अयोग्य व्यक्ति कौन से हैं, ठीक है ना, हरित की सेवन करने वाले किन किन को नहीं करना चाहिए, तो इसमें बोला गया अजीर्णो, रुक्ष भुज, स्त्री मद विषक्षेता, सवेरने न अभ्य मेत, श्रुतृष्णो, उष्ण अर्धितश्च, ये उन्होंने बोल दिया अजीर्ण के रोगी, रूक्ष भोजन करने वाले, अधिक मैथुन, अधिक मदिरा पान करने वाले, विष सेवन करने वाले लोगों को क्या बोला गया है, शरीर कृश हो जाता है, अर्थात व्यक्ति क्या है, भूख प्यास और गर्मी से पीड़ित हो जाता है, उन व्यक्तियों में हरित का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और भाप प्रकाश में उन्होंने अलग से भी बताया गया है, अध्व अति खिनो, ठीक है ना, बल वर्जित रूक्ष, तो जो क्या है, ज़्यादा पैदल अधिक चलते हों, जिनका बल क्या है, ख़त्म हो गया हो, रूक्ष हो, कृश हो, लंगन वाले व्यक्ति हो, जिनमें पित्त अधिक हो, गर्भवती हो, च नारी, ठीक है ना, विमुक्त रक्त भयम न खाद्यत, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों में क्या इन्होंने बोल दिया कि नहीं करवाना चाहिए। दूसरा आता है आंवले के गुण और कर्म, आंवले के गुण और कर्म में क्या बोला गया है, हरित की में जो गुण और कर्म होते हैं वही सारे के हैं, आंवले में भी गुण और कर्म होते हैं, बट यहाँ पर क्या बोला गया है, वीर्य अस्तु विपर्य, ठीक है, तो इसमें क्या है, जस्ट जो वीर्य है वो क्या होता है, वो अलग होता है, आंवले का वीर्य शीत होता है और हरित की का वीर्य उष्ण होता है, ठीक। उसके बाद हरित की तथा आमलक विषक उपसहार क्या है, तो इसमें आता है अत श्रित मृत कल्प कल्पानी विज्ञात कर्म भ्री दृश्य, ठीक है, इसलिए हरित की और आंवले में बीज रहित फल का प्रयोग करने के अनुसार अमृत के तुल्य बताया गया है, हरित की शस्तानी विष अम्लकस्य च, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हिमालय से उत्पन्न होने वाली औषधियाँ कौन कौन सी हैं, तो औषधियाँ प्राप्त करने के लिए पर्वतों के लिए उत्तम जो है वो क्या है, हिमालय बताया गया है। अब याद रखना कि चरक सूत्र जो 25 है उसमें बोला गया है
कि जो हम लोग आगृह द्रव्य पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना कि हिमवत जो औषधियाँ होती हैं वो क्या है, भूमि श्रेष्ठम मानी गई है। शाणंगदर ने क्या है, दो प्रकार का बता दिया गया है कि अगर आपको आग्नेय औषधियाँ लेनी है देन आपको विध्यांचल, ठीक है ना, विध्यांचल पर्वत पे, और अगर आपको सौम्य औषधियाँ लेनी है तो हिमालय पर्वत से ही आपको ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब फर्स्ट जो रसायन आ जाता है, प्रथम ब्रह्म रसायन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पंचानाम पंचमूला नाम, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या ले लिया है, पांचों पंचमूल में अलग अलग 10 पल लेना है, ठीक है ना, पंचानाम पंचमूला नाम, ठीक है, वर्ड आपको ये याद रखना है। इसमें एक याद रखना, इसमें जो हरित की और जो आंवल की है उसका जो कंटेंट है वो कितना लेना है, हरित की आपको 1:1 और आंवल की आपको 3:1 के अकॉर्डिंग ही इन्होंने बताया गया है, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज़ क्या बताई गई है, इसमें जो आपको पात्र लेना है बनाने के लिए, ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इसमें जो आपको पात्र लेना है वो कैसा लेना है, उन्होंने बोला है अदुम्ब्रे, ठीक है ना, अदुम्ब्रे पात्र को ही ग्रहण करना है, ठीक है ना, अदुम्ब्रे पात्र को ही ग्रहण करना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर इन्होंने बताया भी हुआ है, पढ़ लो, इसमें क्या है, पंचो पांच मूल के 10-10 भाग ले लेने हैं, ठीक है, थीके? और इसको क्या करना है, 10 गुना जल में उसको पाक करना है, और जब 1/10 ही शेष रह जाए उसको छान लेना है, ठीक है। मतलब इसमें बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, कंटक पंचमूल, तृण पंचमूल, ठीक है, तो 5 पंचमूल लेने हैं, ठीक है ना, तो ये ले लिए। उसके बाद इन्होंने बोला गया है कि उसको क्या करना है, उसमें 10 गुना पानी डाल दिया, और 1/10 जब शेष रह जाए उसको रख लेना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, आंवला और हरितकी को अलग से गुटलियाँ निकाल के रख देनी है, और इसमें जो हरितकी है वो 1:1 और आंवल की जो है वो 3, मतलब 1:3 इसमें लेना है, ठीक है। ये भी आपको रेशा बना के पुनः साइड पे रख लेना है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि जो आपको पकाना है जिस पात्र में वो कौन सा होना चाहिए, अदुम्बर, अदुम्बर मीन्स तांबर, ठीक है ना, तांबर की, तांबे की कढ़ाई लेनी है, ठीक है ना, तांबर का पात्र लेना है। और इन्होंने क्या बोला, मृदु अग्नि नाम, ठीक है, तो कौन सी है कि मृदु अग्नि पर ही उसको पकाना है। और उसके बाद अगर मात्रा और अनुपान की बात करें तो सिंपल इन्होंने बोल दिया कि जितना मनुष्य खा सके, ठीक है ना, खाए जितने मनुष्य में क्या है कि उसके भोजन करने के में कोई रुकावट ना है, बिकॉज रसायन है, रसायन हैवी भी होता है, तो उन्होंने बोल दिया कि उतना ले जितना क्या है रुकावट ना हो, जो औषधि पच जाए, ठीक है ना, तो उन औषधियों को उन्होंने बोल दिया है कि उसका प्रयोग करें। इस रसायन को किस किस ने लिया था, तो इन्होंने बोला गया है वैखानास, ठीक है ना, वैखानास, बालखिल्य तथा अन्य तपस्वी खा करके है अनंत काल तक आयु को उपभोग करते रहे, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला है ताम्र पात्र का प्रयोग किस किस में किया गया, तो चरक ने 3 जगहों पे ताम्र पात्र का प्रयोग किया गया, उसको आप BDS करके आ सकते हैं, B फॉर ब्रह्म रसायन प्रयोग के लिए, D फॉर दृष्टि प्रदावर्ती के लिए, और स फॉर सिद्धम लेप के लिए प्रयोग किया गया है। और शाणंगधर ने ताम्र का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है, तो लो रसायन के लिए, काशी शादीघृत के लिए, फलघृत के लिए, ज्वर आदि रस के लिए, खंड कूश मांड अवले के लिए, ये सब बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है द्वितीय ब्रह्म रसायन। द्वितीय ब्रह्म रसायन क्या है, उन्होंने बोला जिसमें प्रथम ब्रह्म रसायन की तरह ही आंवलों का वर्णन किया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या बोल दिया, जो आंवले आपको लेने हैं उसमें एक वर्ड दिया गया है, क्या है, पिष्टी स्नेह, ठीक है ना, पिष्टी स्नेह विधि नाम, मतलब श्रेष्ठ आंवले जो लेने हैं 1000, उसमें क्या करना है, उसको पहले पिष्टी की तरह अच्छी तरह से बना लेना है, मतलब उसका स्वेदन करके भाप से, और उसके बाद उसकी क्या है, पिष्टी बनाने को बोला गया है, ठीक है ना, ये है। और उसके बाद उन्होंने बोल दिया इसमें हरितकी ना लेकर इन्होंने पहले 1000 आंवले लिए, उसकी पिष्टी बना ली, और उसके बाद उन्होंने फिर 1000 आंवले लिए, उनका स्वरस निकाल कर उसको भावना दी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और पुनः इसमें इन्होंने क्या दिया गया है, 1000 पल, ठीक है ना, नागबेला, मतलब जिसको गंगरेन है, उसकी भी स्वरस निकाल के उसको भावना देने को बताया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। और उन्होंने बोला है उस घड़े को निकाल कर उसमें स्वर्ण भस्म, इन्होंने जो एक्स्ट्रा ऐड करने को बोला क्या क्या ऐड करना है, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र प्रवाल और उत्तम लोह की भस्म, ये डालने को बताया गया है, ठीक है। बाद में इन्होंने बोल दिया कि कुटी प्रवेशी के अनुसार उसका संशोधन करना है, ठीक है,
और प्रातःकाल में कितना बोला गया है, एक तोले का सेवन प्रारंभ करें। और शना शना के इन्होंने बोल दिया गया है कि अग्नि बल के अनुसार एक एक तोला बढ़ाते जाए अपनी मात्रा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, याद रखना कि स्वर्ण जो है वो किस किस में पड़ती है। पहले तो द्वितीय ब्रह्म रसायन में पड़ती है, दूसरा आता है इंद्रोक्त रसायन द्वितीय में पड़ती है, तीसरा चतुर्थ त्रिफला रसायन। ठीक है ना, इन तीनों में क्या है, स्वर्ण जो है वो भस्म डली हुई है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है ब्रह्म रसायन के क्या लाभ हैं। तो आपको सिर्फ यही लाइन फोकस करना है, क्योंकि इस तरह की लाइन आपको आगे भी मिलेगी। क्या जाता है, धरनी धर सारश्च वायु नाम संविक्रय। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया वह व्यक्ति जो क्या है, जिसका जो दृढ़ है वो ऐसा है पर्वत के समान है। ठीक है, वायु के समान प्राक्रमी है। यदि ज्ञात और अज्ञात स्थान में विष का भक्षण कर लिया जाए तो उसके शरीर में क्या है, विष का प्रभाव भी नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि च्यवनप्राश। ठीक है, च्यवनप्राश में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। ठीक है ना, तो आपको ये जो है इस पे मेन फोकस करना है। तो इसमें कुल क्वाथ द्रव्य कितने होते हैं, 36 होते हैं। आंवले कितने डाले हैं, 500 डाले हैं। गोघृत और तिल तेल, ठीक है, 6-6 पल लिया हुआ है। और जो खंड है वो कितना है, अर्ध तुला इसमें लिया गया है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। बाकी आप देख लो, च्यवनप्राश है इसमें अष्ट वर्ग के द्रव्य भी डाले हुए हैं। बस आपको सब क्वाथ द्रव्य के सिर्फ नंबरिंग याद होनी चाहिए कितनी है, 36 है। ठीक है, फिर उन्होंने बोल दिया कि इसमें जो आंवले लेने हैं वो कितने लेने हैं, 500 लेने हैं। ठीक, उसके बाद इसमें क्या है, जो इन्होंने खंड ली हुई है वो कितने ली हुई है, अर्ध तुला, मतलब 50 पल। 50 पल कितना होता है, अर्ध तुला, मतलब एक तुला में 100 पल होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला गया है इसमें इन्होंने मधु, ठीक है, जो इन्होंने प्रक्षेप द्रव्य है उसमें वंश लोचन, पिपली, इलायची, दालचीनी, तेज पत्तर, ठीक है, नाग केसर, ये सब मिलाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या बोला गया है, विमर्श में देखो, जहाँ क्वाथ कितना शेष रह जाए वहाँ ना लिखा हो, वहाँ फिर क्या करना चाहिए, शाड़ंगर संहिता ने बताया गया है कि अष्टमाश शेष रखने का अवधान बताया गया है। ठीक है ना, और शाड़ंगर संहिता में क्या है, जो शाड़ंगर है उन्होंने क्या है, काकोली और शीर काकोली और महामेधा, ये दोनों द्रव्य अधिक पाए जाते हैं। यमक में ना भूनकर केवल 7 पल घृत में भूनने को बताया गया है। इतना कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना कि वहाँ पर जहाँ पर नहीं बताया गया, तो वहाँ शाड़ंगर ने अष्टमाश शेष रहने पर क्वाथ का एक बताया गया है। जो चक्रपाणि है, चक्रपाणि का क्या कहना है कि गत रस अर्थात चतुर्थश शेष रहने पर, ठीक है ना, वह जब 1/4 शेष रह जाए तब, और वाग्भट ने भी क्या है, 1/4 का ही समर्थन किया है। ठीक है, एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको आपको याद करना है। इसमें क्या बोला गया है कि जो आचार्य चरक हैं उन्होंने अष्ट वर्ग बताए गए हैं। ठीक है ना, जो च्यवनप्राश के कंटेंट है ना उसमें अष्ट वर्ग है, लेकिन अष्ट वर्ग में कौन कौन से नहीं बताए गए, तो महामेधा, शेर का कोल्ली और व्यूति। ठीक है, शाड़ंगधर ने क्या है, शाड़ंगधर ने अष्ट वर्ग अपने, मतलब जो च्यवनप्राश शाड़ंगधर ने बताया है उसमें अष्ट वर्ग है, उसमें क्या नहीं डाला हुआ, तो विधि नहीं डाला हुआ। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और शाड़ंगधर ने और चरक ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक बात बोली हुई है कि जो चरक है उन्होंने क्या है, जैसे हमने पढ़ा ना उसमें गोघृत भी है और तिल तेल भी है। ठीक है ना, मतलब उन्होंने दोनों चीज़ें डाली हैं, तिल तेल भी डाला और गोघृत भी डाला, लेकिन शाड़ंगधर ने गोघृत ही अकेला बताया गया है, वो भी 7 पल। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास च्यवनप्राश के गुण क्या है। तो देखो गुण में क्या, सबसे पहले स्वरक्षय, ठीक है ना, स्वरक्षयम, मुख रोगाम, हृदय रोगाम, वात शोनितम, तो कास को विशेष रूप से नष्ट करता है। जो व्यक्ति शत में क्या है, शीन या वृद्धि होता है या बालक हो उनके अंगों को बढ़ाने वाला होता है, रक्त आदि धातुओं को भी बढ़ाने वाला होता है, स्वर्ण भेद, वक्षस्थल के रोग अर्थात फुफ्फुस विकृति, हृदय रोग, वात रक्त, ठीक है, तृष्णा रोग को दूर करने वाला होता है। ठीक है ना, अयस मात्रा प्रयुजितम, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद मेधाम स्मृति, तो ये एक तो मेधा को, स्मृति को, कांति, ठीक है ना, कांति को भी बढ़ाने वाला, बल इंद्रिय नाम, ठीक है ना, तब बल और इंद्रिय इसको बढ़ाने वाला होता है। स्त्रीषु प्रहर्षम परम वृद्धि, तो उन्होंने बोला कि ये किसके लिए होता है, ये शारीरिक में वर्णता वगैरह को भी बढ़ाता है, और साथ में उन्होंने बोला गया है कि
अगर ये अगर हम खाते तो इसके सेवन से जो व्यक्ति होते हैं उसमें मेधा स्मरण शक्ति, ठीक है ना, स्मरण शक्ति, शरीर में कांति, आरोग्यम, आयु की वृद्धि, इंद्रियों में बल, मैथुन करने की शक्ति, जठर अग्नि अत्यंत ही क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। शारीरिक वन भी क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है। वात का अनुलोमन भी होता है। ये सब लक्षण क्या इसके बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला आता है रसायन के, आम्लकीय रसायन क्या होता है। तो इसमें जो आम्लकीय रसायन है तो इसमें एक आंवला है, हरड़ है, या तो आप आंवला और हरड़ ले लो, या फिर क्या है अकेला आंवला, हरड़ और हरड़ बहेड़ा, मतलब तीनों ले लो, या फिर इन्होंने क्या बोल दिया कि आंवला हरड़ बहेड़ा, मतलब या तो सिर्फ आंवला लो, या तो सिर्फ इन्होंने बोल दिया कि हरड़ लो, ठीक है, या फिर बहेड़ा लो, ठीक है ना, या फिर तीनों इकट्ठे ले लो, ठीक है। और उसको भी क्या करना है, इन्होंने कुटी प्रवेशिक विधि से खाने को बताया गया है। सेवन करते समय अन्न का सेवन ना करें, ठीक है ना। बट इसमें क्या आता है, आम्लक रसायन में अन्न का सेवन करने को नहीं बोलते हैं, सिर्फ दूध पीने को ही बोलते हैं। यव चूर्ण और घृत का ही मालिश करने को बोलते हैं, और अग्नि बल को देखते हुए दो बार किया गया है। भोजन के समय घृत के साथ साटी भात, ठीक है ना, और मूंग के जूस का साथ भी सेवन करने को बताया गया है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हरित के आदि रसायन। हरित के आदि रसायन में क्या बोला गया है कि हरड़ बहेड़ा आंवला पंचो पंच मूल, इनके क्वाथ में पीपर, मुलट्ठी, महुए का फूल, काकोली, शीर काकोली, ठीक है, वेदारीगन, और इसमें इन्होंने क्या है 8 गुना गऊ के दूध में मिलाकर और घृत मिलाकर सेवन करने को, मतलब इसको पहले पकाना है और उसके बाद सेवन करने को बताया गया है। ये क्या है, हरित के आदि रसायन, ठीक है। अब हरित के आदि एक योग भी है, तो हरित के आदि योग में क्या है कि आंवले के स्वरस में 100 बार भावित करके आंवला चूर्ण और इस चूर्ण में चतुर्थांश शुद्ध लोह चूर्ण मिला दें, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया गया है कि इन्होंने ड्रग्स लिए, जैसे कि हरड़ बहेड़ा आंवला, हरिद्रा सीवन, वच, वाइविडंग, गुड़ुच, सौंठ, मुलट्ठी, पीपर, इनका कल्क बनाकर दूध से उसमें क्या है घृत और मधु चीनी मिला देना है, ठीक है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। इसके प्रयोग करने से क्या है पुरुष वृद्ध अवस्था में से मुक्त हो जाता है और 100 बरस तक क्या है उसको जीता है, ठीक। और इसके बाद एक ना तोला के पर्याय है, जो हम लोग बोलते हैं ना एक तोला कितना होता है 12 ग्राम होता है, तो उसको किस किस नाम से बोला जाता है, कर्ष, अक्ष, पिच्चू, कवल ग्रह, विडाल, पदक, तिंदुक, सुवर्ण, ठीक है ना, षोडशिका, ठीक है, ये बताए गए हैं। रसायन का महत्व का है, रसायन के महत्व के लिए बोला है यथा अमरण अमृतम, यथा भोगवता सुधा, यथा अभनव हर्षिनाम, रसायन विधि पुनः। तो जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत, नागों के लिए सुधा, उसी प्रकार से महिषियों के लिए क्या है रसायन विधि का सेवन करने को बताया गया है। और ना जरा ना दुर्बल्यम न उत्य निर्धन न च जम्बु वर्ष सहस्त्राणि रसायन पर पुनः। तो उन्होंने बोल दिया प्राचीन काल में रसायन विधि के सेवन करने से महर्षिगण ने ना तो वृद्धावस्था, ना दुर्बल, ना रोग अवस्था, ना मृत्यु को प्राप्त होता है, और वह क्या है 1000 वर्ष तक जीता है, ठीक है। और इसमें इन्होंने बोल दिया गया है कि अक्षर ब्रह्मा को भी ये प्राप्त है कि ये खाने से जो व्यक्ति है वो क्या है मुक्त हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इसमें टोटल कितने योग बताए गए हैं, तो 6 योग बताए गए हैं, और इसी तरह जो प्रथम पाद है वो क्या है कंप्लीट होता है।